हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 10। हमने 9 लेक्चर्स अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। होप सो 99 लेक्चर्स आप लोगों ने सुने होंगे, आप उन पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज लेक्चर नंबर 10 में हम क्या बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आज लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, बेस्ड ऑन फ्यू ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब पहले कि मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूं और मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर जंप करूं, उससे पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट की वीडियो में हमने क्या किया था। लास्ट की वीडियोस जो हमारी रिसेंटली 3-4 वीडियोस गई है, उसमें हमने की है अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने करी है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने करी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी हमने करी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और रिसेंटली जो हमने कवर करी वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने कवर किया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस जुड़ी हुई थी। ऑस्मोसिस के बेसिस पे हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशंस आएंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। टुडे वी विल स्टडी दीज 3 सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। बिफोर प्रोसीडिंग आज का मोटिवेशनल कोट नजर डालते हैं बोर्ड पे। सामने पीछे की तरफ एक सुंदर सी कोटेशन आपके सामने है जो आप सबको टुकुर टुकुर करके देख रही है। और वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि भाई देख लो, देखो यहाँ पे ध्यान से, डोंट विश इट वर इजियर। कि भाई ये है ना विश वर्ड, बड़ा खतरनाक है। हर जगह हम लोग क्या करते हैं, विश करते हैं हमेशा। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हम लोग ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो हम हमेशा विश करते हैं। तो बोल रहा है कि डोंट विश इट वर इजियर। ये कामना मत करो कि जो काम तुम कर रहे हो वो काम आसान हो जाए, बल्कि विश क्या करो, विश यू वर बेटर। काम आसान ना हो जाए, बल्कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं उसके लिए हम बेटर हो जाए, ये कामना करो। इस इच्छा के साथ काम करो। तो केमिस्ट्री भी वही कह रही है। केमिस्ट्री कह रही है कि ये मत सोचो कि केमिस्ट्री आसान हो जाए, वो बुक्स का पैटर्न चेंज कर दे, उसके अंदर का डाटा चेंज कर दे, बल्कि आज से ये कोशिश करो और आज से ये विश कर लो, आज से विश्वास बना लो अपने अंदर कि केमिस्ट्री बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम बेटर हो गए हैं, हम उसको बेटर वे के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10 और हेडिंग दे दो मेरे साथ आप लोग 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। फर्स्ट सॉल्यूशन इज योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कल हमने ऑस्मोसिस पढ़ी थी। ऑस्मोसिस क्या कह रही थी, ऑस्मोसिस की अकॉर्डिंग क्या था भाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक डेलिकेट सा मेम्ब्रेन है, नेचुरल भी है आपका और आर्टिफिशियल भी है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो डेलिकेट मेम्ब्रेन है जो सिर्फ किसको पास करती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, सॉल्यूट को वो परमिट नहीं करती है, उसको परमिशन नहीं देती, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो है सॉल्वेंट से बड़ा होता है। तो जो डेलिकेट मेम्ब्रेन है उसके पोर्स का साइज इतना छोटा है कि वो सिर्फ किसको जाने देती है, सॉल्वेंट को जाने देती है। अब ये जो ऑस्मोसिस था, ये एक नेट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। और इस नेट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या हो रहा था, आपका सॉल्वेंट जो था वो मूव कर रहा था। कहां से कहां मूव कर रहा था, सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा था थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कह रहा था ऑस्मोसिस का, इसको एक और तरीके से डिफाइन करें अगर हम सॉल्यूशन के बेसिस पे, तो कहता है सॉल्वेंट कहां से कहां, सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने कहा था सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे और हम लोग बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या है ये तीनों सॉल्यूशंस, तो एक एक नंबर
नंबर के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाता है आपके एग्जाम में यहाँ से कि भाई आइसोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, या फिर क्वेश्चन आता है इंटरेस्टिंग वे में कि अगर हम आरबीसी को, ब्लड सेल को अगर हम इन तीनों में रखे तो उसमें क्या चेंज आएगा। तो आज हम इसी को देखते हैं कि क्या तीनों सोल्यूशन एक दूसरे से किस बेसिस पे वेरी कर रहे हैं, क्या बोलती है ये तीनों सोल्यूशन। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करें। सबसे पहली बात आती है आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक अगेन पहले वर्ड को तोड़ना है, पहले वर्ड को समझना है। तो बोलता है आइसोटोनिक, आइसो स्टैंड फॉर सेम, वेयर एज टोनिक वर्ड स्टैंड फॉर मिक्सचर, सेम मिक्सचर। अब किसका सेम मिक्सचर है ये आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक बोलता है इफ टू सोल्यूशन, इफ टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी लिख रही हूं, इफ टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन इट इज सेड टू बी, सेड टू बी आइसोटोनिक सोल्यूशन। जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोटोनिक कहेंगे। अब इस आइसोटोनिक को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसकी एग्जांपल देखती हूँ, बेस्ट एग्जांपल इसकी। और बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या कहती है, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड इज आइसोटोनिक, इज आइसोटोनिक विथ 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। बोलता है ह्यूमन ब्लड जो है, जो ब्लड है वो आइसोटोनिक है, किसके साथ आइसोटोनिक है, 0.9% NaCl के साथ, इन दोनों का, ब्लड का भी और इतनी परसेंट NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ी देर बाद इनको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे कि इन तीनों में क्या फर्क आ रहा है, कहां पे आइसोटोनिक वेरी कर रहा है, कहां पर हाइपर और हाइपोटोनिक कर रहा है। अब यहां से थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग, तो बोलते हैं ये जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन है एक्चुअली ये इसी की टाइप्स, आइसोटोनिक ही, ये इसी के टाइप्स है। दो हिस्सों में आइसोटोनिक बढ़ जाता है, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन और दूसरा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब दोनों में फर्क कहां पे आ रहा है, दोनों में फर्क कहां आ रहा होगा, भाई दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, या तो वो हाइपर होगा या तो वो हाइपो होगा। अब हाइपर वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, हाइपर से तो आप लोग जानते हो आजकल हर बंदा जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन ज्यादा, मोर प्रेशर, तो बोलता है हाइपर वर्ड का मतलब क्या होता है, मोर ज्यादा, और हाइपो वर्ड क्या मतलब क्या है, यहाँ पे लेस। तो यहां भी मैंने कहा था टॉनिक वर्ड का मतलब मिक्सचर होता है, यहां पे मिक्सचर ज्यादा होगा और यहां पे मिक्सचर क्या होगा, कम होगा। पर किसका, किसी एक चीज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और किसी एक चीज का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। पर पहले डेफिनेशन देखते हैं, हाइपरटोनिक क्या कहता है, व्हेन टू सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर विथ a solution having higher osmotic pressure। बोलता है दोनों का सेम प्रेशर नहीं होगा, पर उनमें से एक का जो सोल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली हाइपोटोनिक क्या कहेगा, सेम डेफिनेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हायर की जगह लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। तो जल्दी से पहले हम इसका भी साथ में डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन टू सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर विथ अ सॉल्यूशन
हैविंग लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, इनकी डेफिनेशंस की, कि एक में क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और एक में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कम होगा। पर ये किसकी बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि इसमें सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा और उसमें सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कम होगा। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं कि क्या कहता है हाइपरटोनिक और आपका हाइपोटोनिक। उससे पहले करते हैं बॉर्डर डायग्रामेटिकली से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे बीकर ले लिए, तीन बीकर लिए, क्योंकि मैंने तीनों सॉल्यूशंस को समझाना है। अब हमने क्या किया, इन तीनों बीकर्स में सॉल्यूशन फिल कर दिया, ये आपका सॉल्यूशन फिल कर दिया हमने, और हमने इस सॉल्यूशन के अंदर रख दिया ब्लड सेल, ब्लड सेल आपका आरबीसी, आरबीसी रख दिया हमने। तो पेपर में क्वेश्चन मैंने कहा था आपको, पेपर में क्वेश्चन आता है भाई अगर आरबीसी को कहां रखा जाए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो उनमें क्या चेंज आएगा, हम वही चेंज स्टडी करेंगे। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन में किसको डाल दिया, आरबीसी को डाल दिया। सेम हमने यहां पर भी किया, ये जो आपका सेल था इस आरबीसी सेल को हमने सॉल्यूशन में डाल दिया। अब हम देखना चाहेंगे कि आरबीसी को इस सॉल्यूशन पे डालने पर क्या कोई चेंज आया। अब वो चेंज हमें पता चलेगा क्योंकि हमें तो ऑस्मोसिस आती है, हमें ऑस्मोसिस क्लियर है। अब आरबीसी का ये जो आउटर लेयर है, तो ये आउटर लेयर क्या है आपका, एसटीएम आउटर लेयर बॉक्सेस एसपीएम सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ये जो आपकी आ गई आरबीसी। अब आपको पता है रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, सेल सैप है आपका, जिसमें बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट बहुत सारा प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है और ये सॉल्यूशन है बाहर। अब सॉल्वेंट ये प्योर स्टेट है आपकी, अब बोलता है यहाँ पे आपके पास अब होगा क्या, बहुत सारी चीजें यहाँ प्रेजेंट है ना, लिक्विड प्रेजेंट है। अब जब हमने इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, तो मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या कहा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। टू सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन जब सेम होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब क्या होगा, लेट इट बी, हमने कहा इस सेल की कंसंट्रेशन कितनी है, 5 मोलर है भाई, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी कितनी है, 5 मोलर है। तो देख रहे हो दोनों की कंसंट्रेशन कैसी है, सेम कंसंट्रेशन है, इसका मतलब ये किस पे बैठा हुआ है, इक्विलिब्रियम पे बैठा हुआ है, बीकर के अंदर और सेल के अंदर दोनों में कंसंट्रेशन जब सेम होगी, इट मींस वो किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। अब ये इक्विलिब्रियम पे है, बट कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक की स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। तो ये इक्विलिब्रियम पे बैठ गए यहाँ पे, तो ध्यान रखो ये क्या है आपका सॉल्यूशन है और ये आपका क्या है, आरबीसी है। तो बोलता है आरबीसी और ये सॉल्यूशन जो आपका, कौन सा सॉल्यूशन है, 0.9% NaCl का। तो मैंने कहा था भाई ह्यूमन ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि उस दौरान सेल, जो ब्लड सेल है आपके और जो आपका 0.9% सॉल्यूशन है, दोनों की कंसंट्रेशन या दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो भाई इसी को हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह दिया, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों में किसको हम ये नहीं कह सकते वो ज्यादा है, किसी को हम ये नहीं कह सकते वो कम, वेरिएशन यहां आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आएगा, ले लेते हैं हम लोग। ये आ गया आपका एसपीएम, ये मेरा आरबीसी, ये आपका सॉल्यूशन। तो भाई कौन सा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस पे फोकस करना, सॉल्यूशन कौन सा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ
0.9% NaCl solution. ये याद रख लो, इसको दिमाग में बिठा लो कि हाइपरटोनिक हम कब बोलेंगे सॉल्यूशन को, जब उसमें 0.9% NaCl की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे. अब इधर भी आ जाते हैं, इधर बोलता है ये SPM आ गया, ये आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिखाए नीचे की तरफ, ये आ गया आपका RBC और ये आपका सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन है जी, ये सॉल्यूशन है आपका हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो हाइपोटोनिक क्या होगा, फर्क साफ नहीं है, हाइपरटोनिक में अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी. तो हाइपोटोनिक क्या होते हैं, विथ लेस कंसंट्रेशन ऑफ 0.9% NaCl सॉल्यूशन. तो बोलता है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन लेस है. अब होगा क्या, ये तो पता कर लिया, इधर ज्यादा कंसंट्रेशन है और इधर आपकी कम कंसंट्रेशन, पर फर्क क्या है. अब हम आते हैं डेफिनेशन पे, ऑस्मोसिस की. तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसी के थ्रू हम बात करेंगे. और क्या बात करेंगे, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये डेफिनेशन याद रखना, थ्रू SPM इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऑस्मोसिस नहीं काम करती, डिफ्यूजन बिना SPM के काम कर जाती है. तो बोलते हैं नेट स्पॉन्टेनियस अपने आप, इधर भी हम कोई रोल नहीं प्ले करेंगे, मैं कोई प्रेशर नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, अपने आप सारा काम होगा. पर किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस. एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, बाय स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसका, सॉल्वेंट का, कहां से कहां, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड. तो देख लो, मुझे बताओ फिर, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब इधर बीकर में, बीकर के अंदर जो लिक्विड है उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सोल्यूट पार्टिकल यहां ज्यादा है. आरबीसी के अंदर सोल्यूट पार्टिकल क्या है, कम है. कैसे क्लियर होगा आपको, तो क्लियर कराने के लिए हमने बोला भाई सेल की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 मोलर, और मेरा ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी, 20 मोलर. फॉर एन एग्जाम्पल, हम इसे सिर्फ कोशिश कर रहे हैं इजियर बनाने की. मैंने बोला सेल की कंसंट्रेशन कितनी, 10 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन कितनी, 20 मोलर. तो मुझे बताओ ऑस्मोसिस कहां से कहां हो रही होगी, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो मतलब यहां से सेल का फ्लूइड कहां आएगा, बाहर की तरफ आएगा, ये बाहर की तरफ आ रहा है. तो जब सेल से फ्लूइड बाहर की तरफ आएगा, सेल अपने सेल सैप को, बायो की भाषा में कहते हैं सेल सैप, साइटोप्लाज्म, जब उसको वो बाहर फेंकेगा तो सेल मोटा होगा कि पतला हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा. सेल पतला होगा मतलब यहाँ पे जो आपका आरबीसी था वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा. ये याद रखो, श्रिंक कब करता है आरबीसी, जब हम उसको कौन से सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे. तो आपके सेल का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा. क्यों सेल श्रिंक किया, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ एक्सोऑस्मोसिस. और एक्सोऑस्मोसिस क्या होती है भाई, लिक्विड का बाहर आ जाना, सेल सैप का बाहर. आपको पता है एक्सो का मतलब ही क्या होता है, रिलीज होना. तो यहां से रिलीज हुआ, कौन सी प्रोसेस लगी, एक्सोऑस्मोसिस लगी. और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस की वजह से श्रिंकेज हुई, और श्रिंकेज होने पर इस पूरी प्रोसेस को हमने नाम दे दिया प्लाज्मोलिसिस. बायो वाले अच्छे से जानते हैं प्लाज्मोलिसिस या क्रीमेशन, तो मैं वर्ड दे रही हूं यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस. तो कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलिसिस, तो आप बोलोगे जब हम आरबीसी को
किसी एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देंगे जो हाइपरटॉनिक होगा, जिसमें 0.9% NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो आरबीसी सेल श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करने पर वहां पे होगी एक्सोस्मोसिस और उसी पूरी प्रक्रिया को हम नाम दे देंगे प्लाज्मोलिसिस या फिर क्रीनेशन बोलेंगे। तो ये आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हाइपोटोनिक के पास। भाई बार उसको लेके करनी, इसको नहीं रब करूंगी मैं, ये आपके सामने रहेगी, इसी को तो देखना हमें कि हो रही है यहाँ पर कि नहीं हो रही है। तो आपने क्या देखा भाई, दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या था, फर्क था। क्या दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है। तो भाई हमें वो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों प्रोसेस किस पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अब बात यहाँ पे करते हैं हम लोग हाइपोटोनिक। तो बोलते हैं हाइपोटोनिक क्या होते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन इसकी NaCl सॉल्यूशन की 0.9% से कम होगी। सेम यही केस यहां लगा लो बट उल्टा कर लो। कैसे? इधर आपका ब्लड कितना कंसंट्रेटेड था, 10 मोलर। यहां पे ब्लड सेल कितना मोलर कर लो, 20, और सॉल्यूशन कितना कर लो, 10 मोलर कर लो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। क्या होगा? ऑस्मोसिस कहती है सॉल्वेंट कहां से कहां, भाई लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो यहां से सॉल्वेंट एसटीएम से होता हुआ कहां जाना स्टार्ट हो जाएगा, सेल में जाना स्टार्ट हो जाएगा। भाई सेल को एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिलना स्टार्ट हो गया। सेल को जब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिलेगा तो सेल का साइज क्या कर जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेल यहां पे आरबीसी क्या कर गया, स्वेल कर गया, मोटा हो गया, यहां पतला हो गया, वहां मोटा हो गया। अब इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे भाई, मैं हम बता देंगे आंसर, आप मत बताओ क्यों। सामने है ये एक्सोस्मोसिस, तो ऑब्वियसली ये कौन सी होगी, एंडोस्मोसिस होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सॉर्प्शन हो रहा है, एंडोस्मोसिस होगा। और इस पूरी नाम प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस। अगर हाइपोटोनिक की बात होगी तो वहां पे हीमोलिसिस प्रोसेस होगी, अगर हाइपोटोनिक की बात आती है तो वहां पे क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस होगा। हाइपोटोनिक के केस में श्रिंकेज हुई ब्लड सेल की, और हाइपोटोनिक के केस में क्या हुआ, आपका सेल जो था वो स्वेलअप कर गया, वो मोटा हो गया। और इवन एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब हम बोलेंगे कि इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को सेम अगर करना होगा हम लोगों को, ऑस्मोसिस को अगर हमें रोकना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमें लगाना है, ऑस्मोसिस रोकनी है अगर हमें, तो हमें इन दोनों को किस पे लाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा। तो ये थे आपके सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। अब जल्दी से बोर्ड रख करके हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को।